हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने लगे 1 दिसंबर 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। और अब जो करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके बेल आइकन को जरूर हिट कर दें जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ज्वाइन हो जाइए। वहां पर आपको सारी पीडीएफ और इंपॉर्टेंट स्टडी जीके और करंट अफेयर्स के पॉइंट्स मिल जाएंगे। जनरल साइंस के भी क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएंगे और एमपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमपी जीके के पॉइंट्स भी वहां पर कवर किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले करंट अफेयर्स के ऊपर 1 दिसंबर 2019 के। लास्ट वीडियो हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर मैं डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, का आंसर ऑप्शन नंबर सी 5%। 5% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए 5% आरक्षण की घोषणा की है। और खेल और युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने ग्वालियर के कंपू खेल परिसर में क्षेत्रीय ओलंपिक खेलों का उद्घाटन करते हुए यह घोषणा की है। और उन्होंने यह घोषणा भी की है कि प्रतिभाशाली बच्चों की सुविधाओं के लिए मध्य प्रदेश में अंडर 16 जोनल ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो किस सरकार ने नौकरियों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए 5% आरक्षण की घोषणा की है? तो आपको आंसर करना है मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस फिल्म ने गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2019 जीता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी पार्टिकल्स। पार्टिकल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लाइज हैरिसन द्वारा निर्देशित एस्टेले पेलॉन द्वारा निर्मित पार्टिकल्स ने गोवा में 50वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता है। तो 50वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह कहां आयोजित किया गया है? तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर करना है गोवा में। ठीक है, और किस फिल्म ने गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2019 जीता है? डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, आपको आंसर करना है पार्टिकल्स। ठीक है, और जल्लीकट्टू के लिए लीजो जोस पेलिसरी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया और अमीन सिदी बाउमिदेन और मारिस ओल्टेनु को अबुलीला और मॉन्स्टर्स के लिए बेस्ट डेब्यू फीचर फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2019 किस फिल्म ने जीता है, तो आपको आंसर करना है पार्टिकल्स। ठीक है, और 50वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह कहां आयोजित किया गया है? तो आपको आंसर करना है गोवा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य में IFFI @50 प्रदर्शनी आयोजित की गई थी? तो फ्रेंड्स, का आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोवा। गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण वन्य और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री बाबू सुप्रियो ने गोवा में ब्यूरो ऑफ ऑस्ट्रिच एंड कम्युनिकेशन और NFAI द्वारा आयोजित हाईटेक डिजिटल इंटरैक्टिव और मल्टीमीडिया प्रदर्शनी IFFI @50 का दौरा किया और IFFI @50 को 1952 में कब 1952 में IFFI स्थापना से अब तक की यात्रा के लिए श्रद्धांजलि के रूप में आयोजित किया गया था। और NFAI का पूर्ण रूप जो है वो है भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि किस राज्य में IFFI @50 प्रदर्शनी आयोजित की गई, तो आपको आंसर करना है गोवा। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस शहर में श्राइडर इलेक्ट्रिक ने एक नया कारखाना खोला है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक ऊर्जा प्रबंधन और स्वचालन कंपनी श्राइडर इलेक्ट्रिक ने
बेंगलुरु में एक नया कारखाना खोला है और इस कारखाने को औद्योगिक निर्बाध बिजली आपूर्ति सिस्टम और चर गति ड्राइवर के निर्माण के लिए लॉन्च किया गया था, जो एक इलेक्ट्रिक मोटर के रोटेशन की गति को नियंत्रित करता है। और यह श्राइडर की भारत में दूसरी स्मार्ट फैक्ट्री है और पहली इकाई हैदराबाद में शुरू की गई थी। पहली कहां शुरू की गई थी? हैदराबाद में, ठीक है। और दूसरी कहां है? बेंगलुरु, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये श्राइडर की भारत में दूसरी स्मार्ट फैक्ट्री है, वो पहली इकाई हैदराबाद में फरवरी 2019 में शुरू की गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा किस शहर में श्राइडर इलेक्ट्रिक ने एक नया कारखाना खोला है, तो बेंगलुरु, ठीक है। और पहला पूछा जाता है तो हैदराबाद, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में व्हाट्सएप के अनिकृत अवरोधन के लिए कौन सा स्पाईवेयर चर्चा में? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेगासस। पेगासस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईटी मंत्री रवि ने विपक्षियों के उन सवालों का जवाब दिया है कि सरकार ने किसी भी सौदे के लिए बातचीत नहीं की है या इसराइल स्थित टेक फर्म एनएसओ के साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं की है। और उन्होंने कहा है कि सरकार ने व्हाट्सएप के अनधिकृत अवरोधन के लिए पेगासस स्पाईवेयर का उपयोग नहीं किया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि केंद्र साइबर ऑडिट अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और सीईआरटी इनमें साइबर सुरक्षा टीम के स्किलिंग का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाट्सएप के अनधिकृत अवरोधन के लिए कौन सा स्पाईवेयर चर्चा में है, तो आपको आंसर करना है पेगासस, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में फोर्ब्स की द रियल टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट के अनुसार विश्व में 9वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्ब्स की द रियल टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी विश्व के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं और फोर्ब्स की द रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट के अनुसार RIL के अध्यक्ष का रियल टाइम नेट वर्थ $60.8 बिलियन था। $60.8 बिलियन नेट वर्थ, ठीक है। और सूची में शीर्ष स्थान पर अमेजन के CEO और संस्थापक जेफ बेजोस हैं, ठीक है। कौन है? अमेजन के संस्थापक और CEO जेफ बेजोस, ये है फर्स्ट पे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। फोर्ब्स की द रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी विश्व के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं और फोर्ब्स की द रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट के अनुसार RIL के अध्यक्ष का रियल टाइम नेटवर्थ $60.8 बिलियन था। और सूची में शीर्ष स्थान अमेजन के CEO और संस्थापक जेफ बेजोस का था, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारतीय महिला संघ ने किस देश को 2 इलेक्ट्रिक वाहन दान किए? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय महिला संघ ने नेपाल में पशुपति क्षेत्र विकास ट्रस्ट को 2 इलेक्ट्रिक वाहन दान किए हैं। भारतीय महिला संघ की अध्यक्ष नम्रता पुरी ने, भारतीय महिला संघ के अध्यक्ष कौन है ये भी आपको याद रखना है, नम्रता पुरी। तो भारतीय महिला संघ की अध्यक्ष नम्रता पुरी ने काठमांडू में पशुपति क्षेत्र विकास ट्रस्ट के सदस्य सचिव डॉक्टर प्रदीप ढकाल को वाहन सौंपे और ये पर्यावरण के अनुकूल वाहन पवित्र पशुपति मंदिर जाने वाले तीर्थ यात्रियों, विशेष रूप से बुजुर्गों और विकलांग लोगों के लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो भारतीय महिला संघ ने किस देश को 2 इलेक्ट्रिक वाहन दान किए? तो आपको आंसर करना है नेपाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ठीक है। चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, किस भारतीय पत्रकार को 2019 अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार मिला है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेहा दीक्षित। नेहा दीक्षित इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पत्रकार
नेहा दीक्षित को 2019 अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार एक गैर लाभकारी संगठन कमेटी टू प्रोडक्ट जर्नलिस्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य पत्रकारों को प्रतिशोध के भय के बिना काम करने में सक्षम बनाना है। और उन्होंने एक दशक से अधिक समय में प्रिंट, टीवी और ऑनलाइन मीडिया में राजनीति, लिंग और सामाजिक न्याय को कवर किया है। ठीक है, तो किस भारतीय पत्रकार को 2019 अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार मिला है? तो आपको आंसर करना है नेहा दीक्षित। इंपॉर्टेंट है। आज का क्विज का क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपना पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करेगी? फ्रेंड्स, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप पे आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इस तरीके बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे ये बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा और कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वो सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।